हेलो, वेलकम टू माय जावा ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग। जावा टेक्नोलॉजी इज बोथ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। जावा है वो प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज़ आती है एप्लीकेशन बनाने में, APIs बनाने में, सॉफ्टवेयर्स बनाने में, और ये एक प्लेटफॉर्म भी है जिस पर हम अपने जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ जनरल पर्पस कॉन्करेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट्स सिंटैक्स इज सिमिलर टू सी एंड C++, बट इट ओमिट्स मैनी ऑफ द फीचर्स दैट मेक सी एंड C++ कॉम्प्लेक्स, कन्फ्यूजिंग एंड अनसेफ। सी और C++ के जो बेसिकली फीचर्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, कन्फ्यूजिंग है और अनसेफ है, जावा में उन चीज़ों को हटाया गया है और जावा सी और C++ के कंपेयर में सिंपल भी है। आप ये ज़रूरी नहीं है कि जावा को सीखने के लिए आपको सी या C++ आनी चाहिए। जो जावा टेक्नोलॉजी है और जावा प्रोग्रामिंग है उसका सबसे मेन एडवांटेज ये है कि प्रोग्रामर कैन राइट अ प्रोग्राम वंस एंड इट विल रन ऑन एनी मशीन सप्लाइंग अ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग इन अर्ली 1990s। द टीम इनिशिएटेड दिस प्रोजेक्ट टू डेवलप अ लैंग्वेज फॉर डिजिटल डिवाइसेस सच ए सेट ऑफ बॉक्सेस, टेलीविज़न एसेट्रा, एंड टू कंट्रोल डिजिटल डिवाइसेस ओवर नेटवर्क। जावा को जब शुरू में इंट्रोड्यूस करा गया था या जावा को जब बनाना था उस वक्त जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जो एक नेटवर्क के ऊपर वर्क कर सके और डिजिटल डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सके। ऑरिजिनली C++ वॉज कंसिडर्ड to be used in the project, but the idea was rejected for several reasons. For instance, C++ required more memory. C++ में जो था मेमोरी का कॉन्सेप्ट, उसी वजह से जो C++ थी वो रिजेक्ट हुई। जेम्स गोसलिंग एंड हिज टीम कॉल्ड दिस प्रोजेक्ट ग्रीन टॉक एंड इट्स फाइल एक्सटेंशन वॉज .gt एंड लेटर बिकम टू नोन एज ओक। जब शुरू में प्रोग्राम बनाते थे तो जो उसका एक्सटेंशन होता था वो GT था, बाद में वो ओक हो गया। वाई ओक? इनिशियली द नेम ओक वॉज यूज्ड बिकॉज ओक इज एन इमेज ऑफ सॉलिडैरिटी एंड पिक्ड एज अ नेशनल ट्री ऑफ न्यूमरस नेशंस लाइक USA, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया एसेट्रा। ओक जो नाम लिया गया था वो बेसिकली ट्री से लिया गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होते हैं, दृढ़ता के प्रतीक है। बट दे हैड टू लेटर रीनेम इट एज जावा एज इट हैज़ ऑलरेडी अ ट्रेडमार्क बाय ओक टेक्नोलॉजी। ओक ज़्यादा टाइम तक इसलिए नहीं चला क्योंकि ओक टेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी ओक ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रखा था। जावा, जेम्स गोसलिंग एंड हिज टीम डिड अ ब्रेनस्टॉर्म सेशन एंड आफ्टर द सेशन दे केम अप विद सेवरल नेम्स सच एज जावा, DNA, सिल्क, रूबी एसेट्रा। जो गोसलिंग थे इनका बेसिकली जो मेन एफर्ट था वो बस यही था कि इन्होंने जावा को, मतलब ये जो लैंग्वेज नई आई थी जो इंट्रोड्यूस हुई थी इसका नाम रखा जावा। जो मेन वर्क था वो था उस वक्त के एक और बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट C++ के जिनका नाम था पैट्रिक नॉटन। आप इसे सर्च भी कर सकते हैं गूगल पर। जेम्स गोसलिंग का जो कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि उन्होंने जावा को, मतलब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी इसे नाम दिया जावा। द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ हाई लेवल लैंग्वेज दैट कैन बी करेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग बजवर्ड्स: सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, मल्टी थ्रेडेड, डायनेमिक, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, पोर्टेबल, हाई परफॉर्मेंस, रोबस्ट एंड सिक्योर।
जैसा कि हमने डिस्कस कर रहा था, जावा इज़ अ सिंपल लैंग्वेज, तो ऐसा नहीं है कि जावा एक सिंपल लैंग्वेज है, आप इजीली समझ सकते हैं। सिंपलिसिटी से जो मेरा मतलब था वो ये है कि जावा में पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन को लेके ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ती है। दैट्स वाई जावा इज़ अ सिंपल लैंग्वेज। जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बिकॉज इट सपोर्ट्स ऑल द फोर फीचर्स: पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन। जावा इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज क्योंकि हम नेटवर्क पर जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, फाइल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, नेटवर्क बेस्ड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं बेसिकली। मल्टी थ्रेडेड क्योंकि जावा में थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। जावा से गेम प्रोग्रामिंग भी ईजी हो जाती है। जावा इज़ अ डायनेमिक लैंग्वेज क्योंकि यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन ऑटोमेटिकली होता है, दैट्स वाई वी कॉल जावा एज डायनेमिक लैंग्वेज। आर्किटेक्चर न्यूट्रल क्योंकि एक हार्डवेयर पे बना हुआ कोड दूसरे हार्डवेयर पे ईजिली एग्जीक्यूट हो जाता है, इसलिए आर्किटेक्चर न्यूट्रल। हार्डवेयर से जो मेरा सेंस है वो बेसिकली ये है कि जो भी हमारा मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की हो, तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम दूसरे सिस्टम पे वर्क करेंगे या फिर एग्जीक्यूट कराने जाएंगे अपने जावा प्रोग्राम को तो वो प्रॉब्लम करेगा। जावा इज़ अ पोर्टेबल लैंग्वेज क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे बना हुआ कोड दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ईजिली एग्जीक्यूट होता है। अगर आपने विंडोज़ में बनाया है तो उसी कोड को आप लिनक्स में एग्जीक्यूट करा सकते हैं, यूनिक्स में करा सकते हैं, मैक में अगर आप जावा प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके बने हुए एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को आप ईजिली विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जावा इज़ अ हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज क्योंकि जावा में गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट है, JVM का कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से जावा हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है। यहाँ पर हम रिलायबल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, दैट्स वाई जावा इज़ अ रोबस्ट लैंग्वेज। जावा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जावा में कंपोनेंट यूज़ होता है जिसका नाम है सिक्योरिटी मैनेजर। इसी तरह से हम क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑपरेशंस, मेथड्स को कॉल करा सकते हैं और अप्रोचेस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये जावा का इंट्रोडक्शन था। फॉर क्वेरीज आप लॉग इन कर सकते हैं http://www.learn2earnlabs.com/contactus.php। होप आपको चीज़ें क्लियर समझ में आई होगी। ये केवल जस्ट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था जावा का। मेनली जो मेरा फोकस रहता है वो यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना चाहिए रैदर देन थ्योरेटिकली। तो नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। थैंक यू।